मैं हुसैन को सिर्फ एक बात बताने के लिए आया हूँ, मैं हुसैन को सिर्फ एक बात समझाने के लिए आया हूँ। तुम घबराओ नहीं, तुम बैठ जाओ। माना अली बैठ गए। हजरत इमाम हुसैन से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खातिब होते और कहते, बेटा हुसैन, मुझे मालूम है कि यह मिंबर तुम्हारे नाना का है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे नाना जब जिंदा थे, हयात से थे, तो इस मिंबर पर दो ही आदमी चढ़ा करता था, चाहे तुम्हारे नाना चढ़ा करते थे, चाहे तुम चढ़ा करते थे। हुसैन, हमें मालूम है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस मिंबर पर अबू बकर कभी नहीं चढ़ा है। तुम्हारे नाना चढ़े या तुम चढ़े हो, तुम्हारा कहना सही है, दुरुस्त है कि यह मिंबर तुम्हारे नाना का है। लेकिन हुसैन, एक बात याद रखो कि यह मिंबर भी तुम्हारे नाना का और यह गुलाम भी तुम्हारे नाना का है। कितनी बड़ी बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने 7 साल के बच्चे को बता दिया। अगर अबू बकर चाहते तो हुसैन की बात को नजरअंदाज कर देते कि बच्चा है, नादान है, बोल रहा है, बोलने दो, नमाज पढ़ा दे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की बात पर मिंबर से उतर कर दुनिया वालों को बता दिया कि लोगो, हुसैन कोई नबी नहीं है, हुसैन मेरा नबी नहीं है, हुसैन रसूल नहीं है। कि हुसैन बोल दिया तो अबू बकर नीचे उतर जाता। हुसैन नबी भी नहीं है, हुसैन रसूल भी नहीं है, हुसैन पैगंबर भी नहीं है। लेकिन फिर भी अबू बकर हुसैन के कहने पर मिंबर से नीचे इसलिए उतर गया कि हुसैन नवासे रसूल है, हुसैन खानदान रसूल से नस्बत रखता है। उस नस्बत का ख्याल करते हुए अबू बकर मिंबर से नीचे उतर गया, उसके हुक्म की तामील कर रहा। सुभान अल्लाह। ये है गुलामी, ये है गुलामी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे मुस्तफा के ससुर भी है, कौम के खलीफे अव्वल भी है। लेकिन हुसैन 7 साल का बच्चा है, उसके हुक्म की तामील करके दुनिया वालों को बता दिया कि हम नबी की भी बात मानोगे, नबी के खानदान वालों की भी बात मानेंगे। दोस्तों,